नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में 11 राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। कहा, मिशन मोड में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करें। देश में अब तक 8,40,00,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई। गुजरात सरकार का 20 शहरों में रात्रि कर्फ्यू का फैसला। चंडीगढ़ में आज से रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की। लद्दाख प्रशासन, लेह पर्वतीय परिषद और भारतीय ताप बिजली निगम ने लेह जिले के तारू में 50 मेगावाट ताप बिजली परियोजना के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने टीकाकरण अभियान और कोरोना से स्वस्थ होने को देखते हुए वर्ष 2021 के दौरान भारत की विकास दर 12.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। ईरान के साथ परमाणु समझौता फिर बहाल करने के लिए वियना में हो रही बातचीत में अमेरिका शामिल हो गया है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और फुटबॉल की चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मैच में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 3-1 से पराजित किया। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए कार्यक्रम के इस संस्करण का आयोजन वर्चुअल रूप में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्धाओं, माता पिता और शिक्षकों के साथ नए फॉर्मेट में यादगार परिचर्चा होने की आशा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस दौरान कई दिलचस्प सवाल सामने आएंगे। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूँ। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथ ही हैं। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है। खजाना अच्छी किताब, अच्छी मूवी, अच्छी कहानियाँ, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने में मदद मिलेगी। लगभग 14,00,000 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुछ अभिभावक भी हैं और कुछ अध्यापकगण भी हैं। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि दुनिया के लगभग 81 देशों के बच्चे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रेरक कार्यक्रम से सीधे जुड़े हैं। और तनाव रहित परीक्षा कैसे दी जा सकती है, प्रधानमंत्री जी का जो अद्भुत हमको मार्गदर्शन मिलता है, जो परीक्षाओं में हमारे लिए संजीवनी का काम करता है, मैं समझता हूं कि ये परीक्षा पे चर्चा का जो 4वां संस्करण है, जो दुनिया में अद्भुत है, अभिनव है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापक एग्जाम वॉरियर अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त माहौल तैयार करना है।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं के सवालों का जवाब भी देंगे। इन छात्र छात्राओं को एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है, जो MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए देश दुनिया से 14 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना पंजीकरण कराया था। इनमें 10 लाख से ज्यादा छात्र हैं, जबकि 2,60,000 शिक्षक और 92,000 अभिभावक शामिल हैं। भाग लेने वाले 60% से अधिक छात्र 9वीं और 10वीं कक्षा के हैं। पहली बार 81 विदेशी देशों के छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। चयनित प्रतिभागी अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे। दीपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देखा जा सकता है। ये कार्यक्रम ईडीयू मिन ऑड इंडिया, नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया, डीडी न्यूज, राज्यसभा टीवी, स्वयंप्रभा जैसे फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर शाम 7 बजे से देखा जा सकेगा। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले 4 सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहुत नाजुक होगी। सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने नई दिल्ली में बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीका जरूर लगवाएं। श्री पॉल ने यह भी कहा कि दुनिया भर में कहीं भी 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत से जूझना है। वही टूल्स हैं हमारे, लेकिन उन टूल्स को हमने परफेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो, चाहे कंटेनमेंट की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, या अस्पतालों की तैयारी की बात हो, या वैक्सीनेशन को पहुंचाने की बात, जिस एलिजिबल ग्रुप को मिलना चाहिए। जहां भी पैंडेमिक है वहां मिलेगा तो बचाव होगा, जान बचेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले और इससे मरने वालों की संख्या अन्य देशों की तुलना में अब भी सबसे कम बनी हुई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड मरीजों की संख्या 9,192 है, जबकि विश्व औसत 16,783 है। उन्होंने बताया कि सितंबर के मध्य में कोविड मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, लेकिन इसके बाद लगातार इनकी संख्या कम होती गई और फिर इस महीने के पहले सप्ताह में इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई है। श्री भूषण ने बताया कि देश में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 7,88,000 से अधिक है। उन्होंने बताया कि देश में 10 ऐसे जिले हैं जिनमें संक्रमण के सबसे अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। इनमें से 7 महाराष्ट्र में और 1-1 कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तथा दिल्ली में हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि देश के कुल सक्रिय मामलों का लगभग 58% केवल महाराष्ट्र में है, जो बहुत चिंता की बात है। श्री भूषण ने बताया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में भेजने के लिए 50 उच्च स्तरीय बहुआयामी जन स्वास्थ्य टीमें तैयार की हैं। ये महाराष्ट्र के 30, छत्तीसगढ़ के 11 और पंजाब के 9 जिलों में जाएंगी। ये टीमें संक्रमण पर नियंत्रण, निगरानी और कंटेनमेंट उपायों में इन राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की सहायता करेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने टीकाकरण के बारे में बताया कि देश में 80 से भी कम दिनों में 8 करोड़ से अधिक कोविड टीके की खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अच्छे तालमेल के कारण ये संभव हुआ है। देश में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें कुछ राज्य हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये बात भी हम आपके सामने लाना चाहते हैं। तो अच्छा काम महाराष्ट्र में भी हो रहा है, वहाँ 81 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज एडमिनिस्टर की जा चुकी है, 8 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी एडमिनिस्टर की जा चुकी है। अच्छा काम गुजरात में हो रहा है, वहाँ 76 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, 8,71,000 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। राजस्थान में 72,99,000 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 72 लाख लोगों को पहली डोज, वेस्ट बंगाल में 65 लाख लोगों को पहली डोज, कर्नाटक में 48 लाख लोगों को, मध्य प्रदेश में 44 लाख लोगों को और केरला में 40 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। दूसरी डोज के आंकड़े भी हमने आपको दिखाए। देश में कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए अभी तक कुल मिलाकर 8 करोड़ 40 लाख टीके लगाए जा चुके हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल एक ही दिन में 5,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। इनमें 4,57,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जबकि 1,05,000 व्यक्तियों को दूसरा टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 3,44,00,000 वरिष्ठ जनों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज और इस श्रेणी के 8,61,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राज्यों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन की आपूर्ति करती रहेगी। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि प्राथमिकता वाले समूहों को मिशन मोड में टीके लगाए जाएं। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार ये शिकायत नहीं कर सकती कि टीके की कमी के कारण टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। डॉ हर्षवर्धन ने कल छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रियों, अपर मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रधान सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान ये बात कही। केसेस में जो इतना बड़ा सर्ज हुआ है, इसमें 80% से ज्यादा जो केसेस हैं वो 11 स्टेट्स के अंदर थे, जो छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 11 स्टेट्स के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ विस्तार के साथ हमने बैठक की है। उनसे अनुरोध किया है कि जो एक साल में जो कोविड के खिलाफ लड़ने की जो स्ट्रैटेजी के जो प्रमुख अंग है, टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रीटिंग है, कंटेनमेंट जोन्स है, सर्वेलेंस है और आजकल जो विशेष रूप से वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है, ये सारी चीजों को और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसमें जो लापरवाही का एलिमेंट आ गया है और उसके ऊपर जो सरकारों को भी कंट्रोल करना है। डॉक्टर हर्षवर्धन इन राज्यों में पिछले दो सप्ताह से कोविड संक्रमण के दैनिक मामलों और उससे होने वाली रोजाना मौतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत करने की सलाह दी गई। उन्हें कोविड उपयुक्त आचरण, मास्क लगाने, सुरक्षित दूरी, हाथ साफ रखने, सामाजिक और जनसभाओं को सीमित करने, जांच, किसी संक्रमित के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और उपचार करने, पृथकवास में रहने, नियंत्रण क्षेत्र के दिशा निर्देशों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने तथा नियमों के अनुसार टीकाकरण की गति तेज करने जैसे उपायों को दृढ़ता से लागू करने को भी कहा। चंडीगढ़ प्रशासन ने आज से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनोर की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई बैठक में ये फैसला किया गया। केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार के आयोजन, पार्टियां और सभी सामाजिक समारोहों पर रोक लगा दी गई है। रेस्तरां भी रात 10 बजे तक बंद किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि यदि स्थिति में सुधार हुआ तो रात के कर्फ्यू पर पुनर्विचार किया जा सकता है। प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रात के कर्फ्यू का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। यह भी कहा गया है कि यदि लोगों ने कोविड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने और साप्ताहिक मंडी तथा अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों को बंद करने जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए पृथकवास केंद्रों को दोबारा सक्रिय करें। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में आंशिक लॉकडाउन और निषेध आज्ञा लगने के कारण बिहार के मजदूर इन राज्यों से घरों को लौटने लगे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। श्री नीतीश कुमार ने लोगों से भी अपील की कि वे कोविड से बचाव का टीका लगवाएं।
मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए, बहुत ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज है कि टेस्ट भी करवा दें। ये दोनों काम हम लोगों को करना है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम। इस बीच कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 31 मई तक रद्द कर दी हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 3,280 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2,167 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण के लिए कई उपायों की घोषणा की है। गुजरात में संक्रमण के सबसे अधिक 798 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 615 मामले सामने आए। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने राज्य में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अनेक नए उपायों की घोषणा की, जिसके अनुसार राज्य में अब सभी 8 नगर निगमों के साथ कुल 20 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। शादी के समारोह में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। 30 अप्रैल तक सभी सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को रद्द करने की घोषणा की गई है। राज्य में अब 10 से 30 बेड वाले सभी छोटे अस्पतालों को हल्के संक्रमण और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के उपचार करने के लिए छूट दे दी गई है। राज्य में आरटीपीसीआर सहित कोविड के परीक्षणों की संख्या दुगुनी कर दी गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,100 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर दिल्ली में अभी तक कुल 6,85,000 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने बताया कि इनमें से 6,56,000 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,340 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई और 17 लोगों की मृत्यु हुई। इस समय दिल्ली में कोविड 19 के 17,332 रोगियों का उपचार चल रहा है। कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू कर दिया है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं है तथा जरूरी और गैर जरूरी सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने या राज्य के भीतर ही लाने ले जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा। निजी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है। घरेलू सामान, फल, सब्जियां और दवाइयों की दुकानों को ई पास के जरिए संचालन करने दिया जाएगा। अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों को भी ई पास के जरिए आवागमन की अनुमति होगी। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर जाने वाले यात्रियों के पास अगर वैध टिकट होगा तो उन्हें कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। कर्फ्यू के दौरान बसों, मेट्रो ट्रेन, ऑटो और टैक्सियों में केवल वही लोग जा सकेंगे जिन्हें कर्फ्यू से छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने कल एक आदेश जारी कर 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने को कहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों से आग्रह किया है कि वे दवाई भी कड़ाई भी के संदेश के प्रति जागरूकता फैलाएं और कोविड नियमों का पालन करने तथा पात्र लोगों को टीका लगवाने का संदेश दें। मंत्रालय ने देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि जनहित में इन संदेशों को प्रचारित करने में टीवी चैनलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में 11 राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। कहा, मिशन मोड में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करें। देश में अब तक 8,40,00,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई। गुजरात सरकार का 20 शहरों में रात्रि कर्फ्यू का फैसला। चंडीगढ़ में
आज से रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की। लद्दाख प्रशासन, लेह पर्वतीय परिषद और भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने लेह जिले के तारू में 50 मेगावाट ताप बिजली परियोजना के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने टीकाकरण अभियान और कोरोना से स्वस्थ होने को देखते हुए वर्ष 2021 के दौरान भारत की विकास दर 12.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। ईरान के साथ परमाणु समझौता फिर बहाल करने के लिए वियना में हो रही बातचीत में अमेरिका शामिल हो गया है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने कल महाराष्ट्र के नए गृहमंत्री का पदभार संभाल लिया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के अनिल देशमुख का स्थान लिया है। पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्होंने गृहमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। चौथे चरण में 10 अप्रैल को 5 जिलों हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, कूचबिहार और अलीपुरद्वार में 44 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और संयुक्त मोर्चा के प्रमुख नेता विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चौथे चरण के मतदान वाले सिंगूर, हावड़ा मध्य और बेहाला पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी का भी कई रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कूचबिहार और हावड़ा में दो चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल की जनता मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार से जा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की विदाई का मन बना लिया है। इधर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कूचबिहार में एक रैली में आरोप लगाया कि भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए हताशा में पार्टी हिंसा को बढ़ावा दे रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीपीएम के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत मिश्रा ने संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर चुनाव प्रचार किया। गुजरे जमाने की फिल्म अभिनेत्रियां भादुड़ी और मंदाकिनी भी प्रत्याशियों के समर्थन में कई स्थानों पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 82.28% मतदान की खबर है। हालांकि अंतिम आंकड़ा अभी घोषित नहीं किया गया है। कुल मिलाकर असम में 80% मतदान दर्ज किया गया। राज्य में तीसरे और अंतिम चरण में कल 40 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में कुल 337 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। लद्दाख को कार्बन उत्सर्जन मुक्त स्थल बनाने के लिए कल त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हमारे लेह संवाददाता ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, लेह पर्वतीय परिषद और भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने लेह जिले के तारू में 50 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में राष्ट्र के प्रयासों का योगदान करने के लिए लद्दाख की अक्षय ऊर्जा की 33 गीगावाट की क्षमता है। यूटी प्रशासन, लेह हिल काउंसिल और भारत सौर ऊर्जा निगम ने लेह में तरू गांव में 50 मेगावाट परियोजना के साथ सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए पहली एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर लद्दाख उपराज्यपाल आर के माथुर ने कहा कि विभिन्न आवश्यकताओं को विचार करते हुए अगले 5 वर्षों में लद्दाख क्षेत्र में बिजली की खपत
खपत 200 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। लद्दाख सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने कहा कि यह परियोजना बिजली क्षेत्र में लद्दाख को आत्मनिर्भर और नाम मात्र मूल्य पर अंतिम उपभोक्ता के लिए बिजली की उपलब्ध कराते हैं। लेह हिल काउंसिल सीईसी ताशी गैल्सन ने स्थानीय लोगों को अधिकतम नौकरियों पर विचार करने के लिए सेकी को अपील की। सेकी सीएमडी जितेंद्र नाथ स्वैन ने कहा कि एमओयू अक्षय ऊर्जा की बारीक क्षमताओं को दोहन करने के लिए लद्दाख में निवेश करने के लिए मार्ग खोल देगा। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 1950 से ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पिछले 50 साल में मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व और शिशु देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर यह संगठन रोशनी डाल चुका है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। कोष ने ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष जनवरी में प्रकाशित पिछली रिपोर्ट में प्रदर्शित विकास दर की तुलना में 1% अधिक रहने का अनुमान है। फुटबॉल की चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल मैच में कल रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 3-1 से पराजित कर दिया। जीत का गोल विनीसियस जूनियर ने किया। चैंपियंस मुकाबलों में विनीसियस का यह पहला गोल था। इसके साथ ही 21 वर्षीय विनीसियस चैंपियन लीग में नॉकआउट गोल करने वाले दूसरे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोलो ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। और अब आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है बता रहे हैं सिद्धार्थ। धन्यवाद चंद्रिका। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर विभिन्न शीर्षकों से खबरें आज अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली में 30 तक रात का कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं के लिए है ई पास। अमर उजाला ने केंद्र सरकार के हवाले से लिखा है, खतरनाक गति से बढ़ रहा संक्रमण, 4 हफ्ते बेहद गंभीर। हिन्दुस्तान ने सख्ती शीर्षक से सतर्कता बरतने और सलाह पहले पन्ने पर दी है। जनसत्ता ने 3 दिन में दूसरी बार मामले 1 लाख के पार होने की खबर पर लिखा है, संक्रमण की दूसरी लहर को काबू करने के लिए जन भागीदारी जरूरी। कल विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में भारी मतदान पर भी लगभग सभी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा और अमर उजाला ने प्रधानमंत्री की उस चिंता को अहमियत दी है, झूठ से राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की साजिश। दैनिक जागरण ने लिखा है, भाजपा के स्थापना दिवस पर नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार और श्रम कानूनों के सहारे से विपक्ष के दुष्प्रचार पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सचेत किया। दैनिक जागरण ने मुख्य पृष्ठ पर बॉक्स में लिखा है, डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोले, अब मिसाइलें भी बनाएंगी घरेलू निजी कंपनियां। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में 11 राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। कहा, मिशन मोड में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करें। देश में अब तक 8.40 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई। गुजरात सरकार का 20 शहरों में रात्रि कर्फ्यू का फैसला। चंडीगढ़ में आज से रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ से
सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की। लद्दाख प्रशासन, लेह पर्वतीय परिषद और भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने लेह जिले में तारू में 50 मेगावाट ताप बिजली परियोजना के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।